फाइनली अब ऐसा लगता है कि टीना शालिन की फेक रिलेशनशिप यहाँ खत्म हुई। जी हाँ दोस्तों, जब बिग बॉस ने निमृत को कैप्टन बनाया था, मंडली को छोड़कर टीना शालिन और प्रियंका इसके खिलाफ थे। टीना ने प्रियंका से कहा था कि अपने को नियम का उल्लंघन करना है, ड्यूटीज नहीं करनी है, टास्क नहीं करना है, बगावत करनी है। जिस पर प्रियंका कहती है नियम तो मैं नहीं तोड़ूंगी, टीना कहती है तो कैसे जाएगी निमृत की कैप्टनसी। शालिन भी कहते हैं अर्चना को चुल करना पड़ेगा कि वो अपना दूसरा रूप चालू करे जिससे निमृत की कैप्टनसी चले जाए। आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कैप्टनसी के लिए जब शालिन बिग बॉस से कहते हैं मुझे लगता है कैप्टनसी निमृत के पास में ही रहने चाहिए, भाई शालिन की वजह से प्रियंका टीना शालिन की गई प्लानिंग बेकार हो जाती है। जिस पर प्रियंका भड़कते हुए शालिन से कहती है कि तुम निमृत की कैप्टनसी छीनने की प्लानिंग करते हो, फिर आज उसी का नाम कैप्टनसी के लिए ले रहे हो। जिस पर प्रियंका टीना उन्हें दोगला भी बोलते हैं और शालिन उनके जवाब में कहते हैं कि पूरी प्लानिंग तुमने किया था, टीना तुम कितनी झूठी हो। फिर शालिन टीना से कहते हैं आपके पास में एक लड़का खत्म होता है, आप दूसरे लड़के के पास चिपकने लग जाते हो। जिस पर टीना कहती है जुबान संभाल के बात कर वरना मैं तुम्हें एक झापड़ दूंगी, और टीना कहती है खुद की बीवी की डिग्निटी नहीं रखा शालिन भनोट, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है। बस क्या झगड़ा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ कौन गलत है और कौन सही है और इस घर में नया कैप्टन आप किसे चुनना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताएं। और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।